रिक्शा चालक के बेटे ने बॉक्सिंग में जीता गोल्ड मेडल, हुआ भव्य स्वागत। जी हां, परिवार का पालन पोषण करने वाले मसीडा रतन ग्राम निवासी परशुराम के बेटे अखिल भारतीय ने नेपाल में मेइंगडो नेपाल इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव और परिवार का नाम रोशन कर दिया है। नेपाल से घर लौटते अखिल कार्तिकेय का क्षेत्रवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। परशुराम के परिवार में पत्नी सुमित्रा, तीन बेटे अरविंद, महेश व अखिल कार्तिकेय के अलावा एक बेटी ज्योति भी है। 1 से 5 तक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय मसीडा रतन में ग्रहण किया, 6 से 8 तक के शिक्षा जवाहरलाल नेहरू हाई स्कूल में ग्रहण की। अग्रसेन इंटर कॉलेज चौक में 10वीं में पढ़ने वाले अखिल कार्तिकेय ने बताया, स्वयंसेवी संस्था मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन से मिली प्रेरणा से आगे बढ़ने की ललक जागृति चौक स्टेडियम में कोच की देखरेख परीक्षा के दौरान 2017 में पहली बार केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुए टूर्नामेंट में पहला गोल्ड मेडल जीता था। देश के कई राज्यों में प्रतियोगिताओं में पदक भी जीत चुके हैं। अखिल का कहना है, इस वर्ष दुबई में होने वाली प्रतियोगिता में भी मेरा चयन हो गया है। उन्होंने बताया, सरकार सहायता करेगी तो एशियन चैंपियन में भारत का परचम लहराएंगे। इस वर्ष अवसर पर स्वागत करने वाले लोगों की कतार लगी रही। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश चौहान, विधायक जय देवी, ग्राम प्रधान हरिद्वार और ग्रामवासी भी मौजूद रहे। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अखिल काक, मेरा गांव में तो जो है ना मेरा मम्मी पापा लगे मेरा राहुल नाम रखे थे, फिर मैं वहाँ बाहर जाता तुमसे अपने आप से अकॉर्ड सा लगा तो मैं अपना नाम अखिल कार्तिकेय करवा दिया हूँ। फिलहाल मेरा निकनेम जो है ना राहुल है, गांव में मेरा राहुल ही चलता है। बाकी अखिल कार्तिकेय नाम से मैं खेलता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू की, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कौन कौन से जो है पड़ाव पार करने पड़े? पड़ाव तो ऐसे जानते हैं हम लोग की एकदम नॉर्मल सी लाइफ, एकदम ऐसे मेरा बैकग्राउंड भी कुछ सही नहीं है, मेरा बैकग्राउंड भी सही नहीं है, तो आप देख ही सकते हैं ऐसा कैसे घर पर रहते हैं हम लोग। बस हम लोग के लिए प्रेरणा यही रहती है कि हम लोग आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अच्छी चीज़ें कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं कि गरीब घर से हैं, तो हम लोग की हौसला बनाने के लिए सोशल मीडिया और अपने घर के फैमिली के मेम्बर लोग और जो भैया लोग हैं जो हम लोग के सपोर्ट में आते हैं, काफ़ी लोग हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग को कहीं कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते रहते हैं कि बेटा तुम कुछ कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो आगे कर सकते हो। वही हम लोग की प्रेरणा रहती है कि इसी चक्कर में तो हम लोग अपनी मेहनत करते रहते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं गांव में, मेरा प्राथमिक विद्यालय है मेरे गांव में पास ही पड़ता है, जब क्लास 5 तक मैंने यहाँ से किया है, फिर उसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू पब्लिक स्कूल जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज पढ़ता है, ये जो मेरा गाँव के बगल में पड़ता है मसीड़ा हमीर करके, वहाँ पर मैंने क्लास 8 तक के किया। उसके बाद मैं एक संस्था से जुड़ गया जिसका नाम मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन है, तो उससे मुझे और सीखने के लिए मिला, उससे मुझे और प्रोत्साहन मिला कि मैं इंडिया कुछ कर भी सकता हूँ, कि मैं अपने देश के लिए अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ, जो मैं खेलूंगा बाहर जाके तब शायद मैं हाईलाइट होगा तो मेरी ये जो आर्थिक कंडीशन है शायद जिसमें कुछ सुधार आ सकेगा। इसके चक्कर में अपनी मेहनत करने लगा। को देखते हुए क्या आपको किसी गांव से रिश्तेदार से या समाज से कोई सहयोग मिला आगे बढ़ने के लिए अब तक? जी सहयोग क्या, बस सहयोग रुपयों से मिले, अगर मनी के लिए मिले तो हाँ कहते भी सहयोग, बाकी सहयोग तो हर कोई देता, मोरल अपना हर कोई मंगवाता है, बाकी सपोर्ट उसे कहते हैं जो मतलब आजकल सपोर्ट खाली कहने से नहीं होता है, जब आदमी की मनी प्रॉब्लम हम लोग जानते हो, घर से पापा लोग मेरे इतने अच्छे घर से नहीं है, सब लोग एकदम मीडियम घर से हैं, मीडियम से भी कम है, यहाँ से रुपयों की व्यवस्था करने के बस एक दिन मजदूरी करने मजदूरी कर करके बस रहना खाना चल पाता है, तो उसके लिए हम लोग के लिए समझो तो बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए, लेकिन फिलहाल अपने एक हिम्मत रहती है तो उसी के कारण हम लोग एक एम बना के बस करते रहते हैं कि कुछ कैसे भी होगा आगे देखते जाएंगे, कुछ ना सपोर्ट नहीं मिलेगा तो देखते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सपोर्ट तो अपना फैमिली रहती है, कैसे भी हो अगर बच्चा प्रॉब्लम है तो मम्मी पापा का है तो सबसे बड़ा हम लोग का साथ वही रहता है, सपोर्ट सबसे ज्यादा वही रहता है कि बंदा अगर बच्चा कुछ कर भी रहा है तो उसको वो किसी से मदद मांगे या ना मांगे, अगर मांग भी रहा है फिलहाल उसकी फैमिली पीछे है तो वो बेझिझक कुछ भी कर सकता है, ये तो मेरे को बहुत पता है कि अगर फैमिली ने कहीं से भी इकट्ठा कर कहीं से अरेंज करें तो वो अरेंज करके ला सकते हैं, वो चाहे कैसे भी लाए। आपने जब गोल्ड मेडल जीता तो आपको कैसा महसूस हुआ? अरे गोल्ड मेडल मैं हाँ मेरे को अगर गोल्ड मेडल मैंने जीता तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि अब शायद मैं कुछ अपने फैमिली के बारे में कुछ बता सकूंगा, क्योंकि जब बंदा कुछ होता नहीं तो आदमी को जल्दी नहीं मिलता है, तो कोई जब वही होते रहेगा ना उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, तो वही जब मतलब जब निकलूंगा बाहर तो हर कोई मतलब जानेगा पहचानेगा, फिर शायद कोई मेरी सुनने आएगा, क्योंकि मैं इतने बैकग्राउंड से इतनी जल्दी को सुनता ही नहीं है, जब थोड़ा अच्छी पोजीशन पे होऊंगा
तो फिर मैं जब मैंने गोल्ड मेडल जीता मुझे लगा कि हाँ मेरी थोड़ा हिम्मत बनी कि हाँ मैं अब कुछ किसी को बता भी सकता हूँ कि हाँ अब कुछ कहना चाहिए कि हाँ कोई मेरी सुनेगा भी कि मैं अपने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाया हूँ। इसीलिए बस इसलिए तो मेरी बहुत खुशी हुई कि मैं अपने मम्मी पापा जब आप नेपाल खेलने गए थे जी जी तो आपको कोई दिक्कत हुई वहाँ पे? जी दिक्कत वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल यहाँ से दिक्कत हुई कि मैं वहाँ जाने के लिए बजट कुछ ज्यादा ही लग रहा था और जो मेरी कंडीशन के हिसाब से थोड़ा कम था, तो यही बस दिक्कत यही आती है। बाकी आदमी को दिक्कत क्या आती है आजकल लाइफ में, बस पैसों की दिक्कत निश्चित होती है। बाकी आदमी कहीं भी जा सकता है, हर जगह इंसान ही रहते हैं तो इंसान यहाँ सब समझ। आगे देश के लिए करने जो है देश के मान को बढ़ाने के लिए आगे आपने क्या सोच रखा है? अरे देश के लिए तो मैं बहुत कुछ, बाकी मैं अपने लिए कुछ नहीं सोचता क्योंकि मैं जानता हूँ लाइफ अपनी मिलती है बस कुछ ही समय के लिए रहती है। अगर हम लोग उसको एंजॉय करें, किसी हेल्प करें, किसी मदद के लिए अगर सार्थक है तो बस वही खुश रहते हैं। देश के लिए तो हरदम, अब एक स्पोर्ट्समैन के लिए तो देश ही सबसे ज्यादा रहता है। जैसे एक आर्मी मैन क्या बोलते हैं देश के लिए करता है, मेहनत करता रहता है, बॉर्डर पे खड़ा रहता है, उसी तरह एक स्पोर्ट्समैन भी होता है जो वो होते हैं कि दुश्मनों के लिए होते हैं, हम लोग होते हैं कि प्यार बढ़ाते हैं स्पोर्ट के जरिए एक दूसरे को। इसलिए हम लोग स्पोर्ट के जरिए तो मैं सोचता हूँ देश का नाम रोशन करूंगा। फिर आगे जो है ना ये जो जात विवाद और ये लड़ाई दंगे जो होते रहते हैं शायद इसमें मेरा भी सपोर्ट देते, मैं कुछ कहूँगा तो लोग मेरी भी सुनेंगे और मैं भी आगे कुछ मैं देश के लिए तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। अगर मैं अगर खेलता रहा हूँ मैं मेहनत लगाकर तो खेलूंगा ही, तो बस यही देश के लिए बहुत कुछ करना। आप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताएं कि जो है आपको क्या क्या मेहनत करके वहाँ तक पहुँचने में कोई समस्या हुई कि नहीं हुई? अरे हम लोग की आर्थिक स्थिति तो देख ही रहे आप कैसे घर में रहते कैसे माहौल में रहते हम लोग, तो आर्थिक स्थिति के लिए अब हम लोग का क्या है ना तो कुछ भी अरेंज नहीं हो पाता सही से। मेरे पापा जो है ना बचपन से ही हम लोग देख रहे हैं कि पापा मेरे पहले तो भट्ठे पे जाते थे जो मतलब ईंटे वगैरह पात के हम लोग का मतलब खाना पीना करते, तो यही सब देखते थे। अब मेरे भैया लोग जो हैं जो अभी मेरे बड़े भाई लोग हैं वो थोड़ा बड़े हो गए, वो थोड़ा मेरे पापा की अब मदद करने लगे हैं। फिलहाल अब जानते हैं हम लोग गरीब घर से हैं तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, बस रोज का कमा के रोज का खाने पीने के हो जाता है। और मैं जब अपने देश के लिए खेलने जाता हूँ मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि अब अगर प्लेयर खेलना चाहता है अपने देश के लिए अगर उसको उसकी मदद करने के लिए देखे कि उसका मतलब कैसा घर कैसा माहौल उसकी उसकी मदद करे कि हम लोग कितना मतलब जब हम लोग को कहीं अगर खेलने के लिए जाना भी होता है तो मेरे पापा लोग से अगर कहोगी कि कुछ मेरे सरकार से यही गुजारिश है कि अब मेरी कंडीशन देखते हुए अब जान सकती कि मैं अपने देश के लिए मेडल तो लाना चाहता हूँ, बस मेरी कंडीशन तो ऐसी है कि मैं अपने खुद से कुछ नहीं कर सकता, तो सरकार से यही गुजारिश कि मेरे खेलने में मदद करे और मुझे प्रोत्साहित करे कि हर मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है कि हम लोग अपने आपसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि अगर मेरी मदद करते रहे तो मैं देश के लिए मेडल या मतलब देश के लिए बहुत कुछ।